हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 फिजिक्स का, चैप्टर 3 जिसमें अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होती है, चाल क्या होती है, चाल एक समान चाल किसे कहते हैं और परिवर्ती चाल किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल क्या होती है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, क्षणिक ताल, तात यानी तुरंत और क्षणिक ताल, तो उस क्षण की जो चाल होगी वही तात्क्षणिक चाल कहलाएगी। तो आप इसे परिभाषित कैसे करेंगे, किसी गतिमान वस्तु की किसी विशेष क्षण जो चाल, किसी विशेष क्षण मतलब जो भी चाल होगी उस क्षण पर वही चाल क्या कहलाएगी, उस वस्तु की तात्क्षणिक चाल कहलाएगी। ठीक है, तात्क्षणिक, वैसे तो सिंपल चाल आप जानते हैं कि क्या होता है, समयांतराल में किसी एकांक समयांतराल में जो चली गई दूरी होती है उसी को आप क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी जब चाल का फॉर्मूला आप देखते हैं तो क्या मिलता है आपको, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। लेकिन जब हम तात्क्षणिक चाल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो ये डेल्टा टी नीचे अपॉन में आ रहा है, इसकी लिमिट ले लेंगे। लिमिट लेने का मतलब क्या है, देखिए लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी डेल्टा जी जो डेल्टा टी है वो किधर की ओर अग्रसित है, जीरो की ओर अग्रसित है। देखिए ये डेल्टा टी किधर की ओर अग्रसित है, जीरो की ओर। जीरो की ओर अग्रसित होने का मतलब कि ये जो समयांतराल आ रहा है वो जीरो तो नहीं है लेकिन क्या है, जीरो के बहुत करीब है। बहुत करीब का मतलब डेल्टा टी जो हो गया वो अत्यंत सूक्ष्म हो गया। जब डेल्टा टी अत्यंत सूक्ष्म होता है तो हम क्या कहते हैं कि जो उस क्षण चाल है वो चाल क्या कहलाएगी, तात्क्षणिक चाल कहलाएगी। ठीक है, तो ये लिमिट आप फर्स्ट ईयर क्लास में मैथ्स में पढ़ेंगे भी, लिमिट का क्या मतलब होता है। यहाँ हमने कितनी लिमिट ली है कि डेल्टा टी किधर की ओर अग्रसारित है, जीरो की ओर अग्रसारित है। जीरो के बराबर नहीं है लेकिन किधर की ओर है, जीरो के अत्यंत करीब है। ठीक है, तो जब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इसका मान आप करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है, डी एक्स बाई डी टी। जब हम क्या करते हैं, बहुत सूक्ष्म अंतरालों की बात करते हैं तो फिर उसे डेल्टा से नहीं निकालते हैं, किससे निकालते हैं, किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। तो आपकी तात्क्षणिक चाल बराबर क्या हो गई, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे औसत चाल। औसत चाल आप किसे कहते हैं, औसत चाल किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। ठीक है, फिर से, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। यानी कि औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई वस्तु है वो ए से बी तक जा रही है, बी से सी, सी से डी। ठीक है, ये हमारा है डी पॉइंट। ए से बीच बी तक की दूरी जो है वो 200 मीटर है और ए से बी तक की दूरी वो 5 सेकंड में तय कर ले रही है। बी से सी तक की दूरी 100 मीटर की है और ये कितने सेकंड में तय कर रही है, 10 सेकंड में। सी से डी तक की दूरी है वो कितने सेकंड में, 200 मीटर की है और वो कितने सेकंड में तय कर रही है, 2 सेकंड में। ठीक है, तो ए से बी में चाल आप देखिए, ए बी में चाल कितनी हो जाएगी, 200, कुल दूरी कितनी है, दूरी है 200 और समय कितना है 5, तो 200 बटे 5 आप करेंगे यानी 40 मीटर पर सेकेंड आ गया। बी से सी तक के लिए अगर हम चाल निकालें तो बी सी में चाल कितनी हो गई, 100 बटे 10, दूरी कितनी है 100 और समय कितना है 10, इसलिए चाल कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। अगले सी से डी के लिए अगर हम निकालें तो दूरी है 200 और समय कितना है 2 सेकेंड। ठीक है, तो सी डी में कितना हो गया आपका, 200 बटे 2, और आपकी जो चाल आ गई वो कितनी आ गई, 100 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो देखिए हर पथ पर इसकी, या समझ लीजिए कि हर क्षण पर इसकी चाल क्या हो रही है, बदल रही है। हर क्षण पर तो नहीं पर हर पथ पर इसकी चाल क्या हो रही है, बदल रही है। तो इसकी हम औसत चाल की बात करें तो कितना हो जाएगा, 500 बटे 17, यानी कुल दूरी, कुल दूरी 200, 100 और 200 कितनी होगी, 500, कुल समय 5 + 10 + 2 यानी 17 सेकेंड। तो औसत चाल आपको कितना मिल गया, 500 बटे 17 यानी 29.4 मीटर पर सेकेंड मिल गया। ठीक है, देखिए तात्क्षणिक चाल कभी कभी क्या होता है कि आप किसी चाल से चल रहे होते हैं और जैसे बाइक वगैरह से आप जाते हैं ना, तो बाइक में क्या होता है, मीटर लगा होता है जिसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं।
स्पीडोमीटर में आप क्या देखते हैं, उसकी चाल को देखते हैं, है ना। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं वेग की। वेग कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी विस्थापित होती है उसे ही वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल। फिर से देखिए, वेग बराबर क्या होता है, वेग क्या होता है, कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी विस्थापित होती है उसे ही वस्तु का वेग कहते हैं। वेग बराबर क्या हो गया, विस्थापन बटे समय अंतराल। देखिए, इसे भी परिभाषित करने के लिए, जैसा हमने पहले भी चाल के लिए बात की थी कि नीचे वाले को आप एक मान लेंगे तो ऊपर वाला ही क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो समय अंतराल को आपने एक अंक माना, यानी एकांक माना, तो विस्थापन क्या हो गया, वेग के बराबर हो गया। यानी कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी विस्थापित होती है उसे ही वस्तु का वेग कहते हैं। वेग बराबर क्या हो गया, विस्थापन बटे समय अंतराल। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, क्योंकि विस्थापन का मात्रक मीटर और समय अंतराल का मात्रक क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, अब ये कैसी राशि है, अदिश है या सदिश है? तो विस्थापन क्या होता है, एक अदिश राशि होती, सदिश राशि होती है। जब सदिश राशि में अदिश राशि से डिवाइड किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होती है, एक सदिश राशि प्राप्त होती है। तो ये आपका जो वेग है वो कैसी राशि हो गई, सदिश राशि है, एक समान वेग। अब एक समान वेग क्या होता है, यदि कोई वस्तु समयान समयांतरालों में एक समान रूप से क्या होती है, विस्थापित होती है, मतलब दो सेकंड में अगर वो कितनी विस्थापित हुई, दो मीटर विस्थापित हुई, तो अगले भी दो सेकंड में वो दो ही मीटर क्या होनी चाहिए, विस्थापित होनी चाहिए, और उसी दिशा में। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वस्तु का वेग कैसा है, एक समान वेग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए हम बात करते हैं कि वस्तु एक ही दिशा में क्या है, गतिमान है, तो वस्तु की जो चाल है और वस्तु का जो वेग है वो क्या होगा, परिमाण में दोनों ही बराबर होंगे।